मित्रों, रॉक फोर चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। मित्रों, हम सदैव सुनते आए हैं कि गाय हमारी माता है और हम गाय की सेवा करनी चाहिए। कई लोग गाय की सेवा का बखान करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम गाय को रोटी तो आवश्यक रूप से देनी चाहिए। कहा जाता है कि हर घर में सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए, इसके पश्चात ही अन्य सदस्यों के लिए। लेकिन आखिर गाय को रोटी क्यों देनी चाहिए? मित्रों, इस सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में बखूबी दिया गया है। गाय की सेवा के पीछे सभी कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा का बाखूबी महिमा मंडन किया गया है। कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति अपने माता पिता के बाद केवल गाय की सेवा करता है तो वह आवश्यक रूप से मोक्ष का भागी है। ऋषभ वेद में भी गाय को अवध्या कहा गया है। इसके अलावा गाय के रुद्र देवों की माता, वासुदेवों की कन्या, इत्यादि देवों की बहन और अमृतत्व का केंद्र बताया गया है। कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। न केवल धार्मिक दृष्टि से वैज्ञानिकों ने भी गाय के गुणों का महिमा मंडन किया है। वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से लगाकर गौमूत्र, गाय के दूध, दही एवं उसके शरीर में उपस्थित प्रत्येक वास्तु का अनोखा फायदा बताया है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में आवश्यक रूप से गौ माता को कम रोटी देनी ही चाहिए। यदि व्यक्ति गोदान एवं गाय की सेवा में सहयोग देता है तो सबसे उत्तम। कहा गया है कि गाय को रोटी देने से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति होती है एवं व्यक्ति के परिवार में किसी भी प्रकार के सुखों का निवास होता है। कुछ लोग खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपना एक मुकाम हासिल नहीं कर पाते, यानी कुछ लोग प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने काम नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उन्हें आवश्यक रूप से गाय को रोटी देनी चाहिए तो जल्दी ही उनकी गृह स्थिति सुधरती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। यदि गौ माता की सेवा की जाती है तो व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वास्तव में गौ माता की सेवा करना और उन्हें रोटी खिलाना हमारे हृदय में करुणा प्रदर्शित करता है। यह दिखता है कि हमें पशुओं की कितनी चिंता है। यदि कोई परिवार लंबे समय से गरीबी से जूझ रहा है तो गौ माता की सेवा करने से जल्दी ही उसके जीवन में आर्थिक सुधार आता है। लेकिन आज के संदर्भ में गौ माता की सेवा की परिभाषा बदल चुकी है। भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं ने गौ माता की सेवा का मुद्दा राजनीति कर दिया है। आज गौ माता के नाम पर खूब राजनीति होती है लेकिन फिर भी सड़कों पर हजारों गायें लावारिस घूमती रहती हैं। उन्हें प्लास्टिक की तैलियां खानी पड़ती हैं जो कि उनके शरीर की आंतों में फंस जाती हैं और तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में ये स्थिति हमारे समाज के लिए भयानक है और ये दर्शाता है कि मनुष्य के हृदय में करुणा जा चुकी है।